दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताया जाएगा आप योनो एसबीआई ऐप से ट्रेन टिकट बुक कैसे कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, अगर आप भी योनो एसबीआई ऐप से ट्रेन टिकट बुक करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको पूरी डिटेल देने वाले हैं। जी हां दोस्तों, तो दोस्तों चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और बगल में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए। इससे क्या होगा, जब कभी भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन के द्वारा वीडियो पहुंच जाएगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आने पर लाइक ज़रूर कीजिएगा। और तो दोस्तों सबसे पहले आप जो है योनो एसबीआई ऐप्स जो है ओपन कर लीजिए। तो जैसे ही योनो एसबीआई ऐप्स ओपन करते हैं तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा। तो आपको यहाँ पे जो है क्या करना पड़ेगा, लॉगिन करना पड़ेगा। तो दोस्तों अगर आप यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर सकते हैं, अगर आप नहीं जानते हैं यूज़र नेम और पासवर्ड तो आप जो है नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से देख के हम वीडियो बनाए हैं निकाल सकते हैं यूज़र नेम और पासवर्ड। अगर आप इंटरनेट बैंकिंग प्रोफाइल पासवर्ड भी भूल चुके हैं योनो एसबीआई, जो कि आप किसी को मनी ट्रांसफ़र करते समय उस पासवर्ड का यूज होता है, तो वो भी आप भूल चुके हैं, तो उसके लिए भी मैंने वीडियो बनाया है, तो आप नीचे चेक करें लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो दोस्तों चलिए हम MPIN सेट किए हैं, तो दोस्तों यहाँ पे लॉगिन कर लेते हैं। तो दोस्तों होम पेज पे आ चुके हैं लॉगिन करने के बाद। तो दोस्तों आपको यहाँ पे नीचे जाना होगा, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बुक ट्रेन टिकट, तो दोस्तों इस पे आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलता है। तो दोस्तों आपको यहाँ पे फ्रॉम, आपको कहाँ से ट्रेन पकड़ना है, जी हाँ दोस्तों आप कहाँ से ट्रेन पकड़ना है, तो उस जगह पे आप नाम लिखेंगे और कहाँ आपको उतरना है टू में उस जगह पे आप नाम लिखेंगे। उसके बाद आप ना किस डेट में आप जाना चाहते हैं वो आप डेट में सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद क्लास में आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं, आपको जिसमें भी जाना आप पसंद करते हैं, स्लीपर क्लास, जनरल, एसी, आप उसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल हम सेकेंड क्लास में सेलेक्ट कर देते हैं। उसके बाद जनरल में आप यहां पे दे सकते हैं जनरल, लेडीज़, तत्काल, आप जो भी आपको पसंद है आप यहां पे दे सकते हैं। तो दोस्तों हम यहां जनरल पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस। तो दोस्तों आप सब कुछ भरने के बाद यहां पे सर्च पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही आप सर्च पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने देखिए जितने भी ट्रेन जाती है जहाँ से आप सर्च किए हैं तो वो सब यहाँ पे आ जाएंगे। तो दोस्तों हमको यहाँ पे जो है, यहाँ पे देखिए कैपिटल एक्सप्रेस है, टाटा है, उसके बाद आप जो भी यहाँ पे आप ट्रेन पसंद कर सकते हैं किससे आपको जाना है। तो फिलहाल हम ये ट्रेन से जाने वाले हैं इंटरसिटी एक्सप्रेस से। तो यहाँ पे जो है आपको बुक नाउ पे क्लिक कर देना है, देखिए यहाँ पे बुक नाउ पे है, तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। तो जैसे ही आप बुक नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखिए दोस्तों यहाँ पे आप जो है अपना पूरा नाम भर सकते हैं। तो दोस्तों हम आपको बता दें, इस बीच में जो है एक IRCTC का आपको ID आएगा, जो कि आप अगर योनो एसबीआई से टिकट बनाना चाहते हैं तो वो देना बहुत ही ज़रूरी है। तो हम मेरा जो है लिंक है IRCTC से, तो हम बना लिए हैं, तो इसीलिए वो ऑप्शन नहीं आया। तो दोस्तों आप जो है नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके वीडियो भी मिल जाएगा, आप जाके वहाँ बना सकते हैं IRCTC का अकाउंट। तो दोस्तों यहाँ पे इस पेज पे जब आ जाएंगे तो आपको यहाँ पे जिसका भी व्यक्ति ट्रेवल कर रहा है उसका पूरा नाम, एज, मेल, फीमेल यहाँ पे आपको देना होगा। तो यहाँ पे चलिए हम दोस्तों यहाँ पे भर लेते हैं। दोस्तों हम आपको शुरू से बता दें, यहाँ पे नेम देना है, उसके बाद एज देना है, उसके बाद मेल फीमेल आप चूज सकते हैं, उसके बाद इंडिया तो रहेगा ही, उसके बाद यहाँ पे देखिए सेव टू माय लिस्ट। तो अगर आप चाहते हैं कि मेरा जो है फिर से सेव करेंगे तो मेरा फिर से अगर टिकट बुक करेंगे तो माय लिस्ट में रहेगा, सेव लिस्ट में, तो यहाँ पे आप टिक कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए हम फटाफट भर लेते हैं। तो दोस्तों सब कुछ भरने के बाद नेक्स्ट पे आप क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाता है। आप यहाँ पे देखिए आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। तो आप यहाँ पे ये यस एंड एक्सेप्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आपको यहाँ पे अगर आपका
आई हैव ए जीएसटी नंबर है तो आप दे सकते हैं, मेरा नहीं है तो हम नहीं देंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे टिक नहीं करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट पे हम क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलता है। तो दोस्तों आपको यहाँ पे देखिए होम पेज पे दिख रहा था 45 रुपया, ये जो है 83 रुपया कैसे हो गया, तो हम आपको पूरी डिटेल देने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों फ्री ब्रेकअप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे किस किस का चार्ज लिया है योनो SBI आपको पूरी डिटेल मिल जाएगा। तो दोस्तों देखिए टिकट फी 45 रुपया, उसके बाद IRCTC फी GST जो है लिया है इतना रुपया 17 रुपया 70 पैसा, उसके बाद जो है आपको यहाँ पे 49 रुपया लिया है प्रीमियम 0.49, उसके बाद यहाँ पे चार्ज लेता है योनो SBI 20 रुपया, यहाँ पे देख सकते हैं कुल मिला के 83 रुपया, यानी कि इसे टिकट बुक करने में आपको जो है थोड़ी एक्स्ट्रा मनी लगती है, यानी कि 20 रुपया आपको अधिक लगता है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप बुक करना चाहते हैं कंफर्म है तो यहाँ पे मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे। तो चलिए हम दोस्तों मेक पेमेंट पे क्लिक कर देते हैं और आई एग्री पे क्लिक कर देते हैं। तो आई एग्री पे क्लिक करने के बाद आपको जो है इस अकाउंट नंबर कितना बैलेंस है वो भी डायरेक्ट आ जाएगा। अगर आप इससे एग्री है तो कन्फर्म पे नाउ पे आप क्लिक कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए हम पे नाउ पे क्लिक कर देते हैं और एक आपको जो है OTP आएगा, उस OTP को यहाँ पर डालना है। तो चलिए दोस्तों हम डाल लेते हैं। तो दोस्तों OTP को डालने के बाद यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं देखिए यहाँ पे पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है यहाँ पे IRCTC। तो उसके बाद यहाँ पे क्या हमको क्या करना होगा, ओके पे हम क्लिक कर देते हैं। तो ओके पे क्लिक करने के बाद ये देखिए कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने खुलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है IRCTC का ये होम पे ये आ गया है। अगर आप जो है योनो SBI का यहाँ पासवर्ड या यूजर नेम यहाँ पे आपको नहीं डालना है, IRCTC का यूजर नेम और पासवर्ड डालना है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें जाके देख सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों चलिए हम यहाँ पे दे देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे पासवर्ड मैं आपका रहेगा, तो चलिए हम सबमिट पे क्लिक कर देते हैं और ये जो कैप्चा कोड है यहाँ पे आपको दे देना है। तो जैसे ही सबमिट पे हम क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलता है। तो यहाँ पे देखिए मेरे को मैसेज आ गया है आपका जो है टिकट। तो दोस्तों देखिए हम चेक कर लेते हैं कि मेरा टिकट बुक हुआ कि नहीं हुआ। तो यहाँ पे हम अपने ID पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं मेरा एक ID है IRCTC का। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, तो क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर बुक हिस्ट्री में जाना है, बुकिंग हिस्ट्री में। तो यहाँ पर हम चलिए क्लिक कर लेते हैं। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये देखिए मेरा जो है ये ट्रेन टिकट बुक हो चुका है। तो यहाँ पे इस पर क्लिक कर देते हैं। तो जैसे ही इस पर हम क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल जाएगा। तो दोस्तों मेरा जो है देखिए कंफर्म ये टिकट बुकिंग हो चुका है। तो इस टिकट को हम यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं, उसके बाद ईमेल पे भी ये चला गया होगा मेरा टिकट, हम इसको डाउनलोड कर लेंगे। देखिए दोस्तों मेरा डाउनलोड सक्सेसफुल हो चुका है। तो दोस्तों मेरा यहाँ पे देखिए नीचे में लिखा हुआ कन्फर्म टिकट बुक हो चुका है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, और अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और बगल में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए। इससे क्या होगा, जब कभी भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन के द्वारा वीडियो पहुँच जाएगा। तो दोस्तों अगर आपका IRCTC में अकाउंट नहीं बना हुआ है तो उसके लिए भी मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, उससे जाके आप वीडियो बना सकते हैं और अकाउंट बना सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।